नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलकर भाजपा ने जनता का विश्वास जीता है। 18 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने के बाद लोकसभा चुनाव की शुरुआत होती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आम जनता के बलबूते चुनाव में जीत तो होगी, लेकिन जीत शानदार हो इसके लिए प्रयास भी करना होगा। सबसे पहले कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत बनाए। अगर कार्यकर्ता अपने बूथ को जिताता है तो निश्चित तौर पर मुरैना में भाजपा की शानदार जीत होगी। भाजपा के शासनकाल में उनके सांसद रहते हुए कई विकास कार्य हुए। कमलनाथ सरकार ने भाजपा की जनहितकारी योजनाओं को बंद कर दिया है। पहले गेहूं की खरीदी होती थी, मुख्यमंत्री खुद जाकर खरीदी का मुआयना करते थे। 100-100 कांटों पर गेहूं खरीदा जाता था, लेकिन अब सिर्फ 25 कांटे लगे हैं। जिन किसानों का 100% गेहूं तुलता था, अब सिर्फ 25% तोला जा रहा है। कांग्रेस के चुनाव के चलते पिनाहट पुल का शिलान्यास तो किया, लेकिन उसकी कहीं कोई फाइल नहीं थी। भाजपा ने प्रयास करके कई मंजूर कराया और अब पुल का निर्माण तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज ने संबल योजना शुरू कर गरीब लोगों को 200 रुपये महीने के हिसाब से बिजली मुहैया कराई है। बिजली के बिल माफ कर आम जनता का दर्द बांटने का प्रयास किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस की सरकार आते ही उन योजनाओं को बंद कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने देश से गरीबी हटाने के नाम पर बरसों सरकार चलाई, लेकिन गरीबों की हालत वही की वही है। अब राहुल गांधी गरीबी हटाओ का नारा देकर देश की सत्ता हथियाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में मजबूत भारत का निर्माण किया है। मोदी सरकार में एक भी घोटाला या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। भावांतर को बंद कर दिया और आज परेशानी इस बात की खड़ी हो गई है कि आपको ध्यान है कि जब भाजपा की सरकार थी तो जगह जगह गेहूं की तुलाई होती थी, मुख्यमंत्री का दौरा होता था, चीफ सेक्रेटरी का दौरा होता था और मुख्यमंत्री भाषण देकर कहते थे कि एक एक गेहूं का दाना मंडी में खरीदा जाएगा। आज क्या है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में 100 कांटे लगते थे, अब कमलनाथ ने कह दिया 25 से ज्यादा मत लगाओ। और जहां पर किसान के यहाँ 200 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ है तो उसको SML भेज रहे हैं। अम्बा से अरुण प्रताप सिंह की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बन रहे न्यूज आज के साथ।